हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट क्लासेस। आज अपन बात करेंगे जीएनएसटी पीएनएसटी का जो 2019 का 7 जुलाई का पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का, उसके बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसको सोल्व करते हैं। ये आ गया आपका इंग्लिश का जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है चूज़ द अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स वही जिसमें आपका सभी पूछते हैं, द एडजेक्टिव सब कुछ आ जाता है जो डिफाइन करता है, जो निर्धारण करता है किसी नाउन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक दिया है, एप्पल्स आर रोटन इन द बास्केट तो डैश ऑफ देम आर रिप एंड डिलीशियस। ठीक है, एप्पल्स आपका सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन काट के। आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा था, पूरा क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन को चूज़ करो एंड आंसर लगा दो। नहीं आ रहा है ट्रिकी वे में कैसे सोल्व करना है ऑप्शन काट के, तो फर्स्ट आपको दिया है एप्पल्स। एप्पल्स आपका, एप्पल्स प्लूरल है, आर दिया है मतलब ये प्लूरल है, कुछ आ रहा है। ठीक है, तो अफ्यू भी आ सकता है, अफ्यू आ सकता है, मैनी आ सकता है, मैनी आ सकता है। अफ्यू मतलब होता है कुछ और मैनी मतलब बहुत, दोनों काउंटेबल के साथ यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो चारों आपके सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। मोस्ट ऑफ देम हो सकता है, मोस्ट ऑफ के बाद प्लूरल, इच ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, इन सब के बाद में प्लूरल आता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन। मच यहाँ पे नहीं आ सकता, मच आपका सेकेंड ऑप्शन में नहीं आ सकता क्योंकि ये काउंटेबल के बारे में बात करी गई है। ये आर आ रहा है, प्लूरल है होगा मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तभी आर आ रहा है। ठीक है, जबकि अनकाउंटेबल में तो हमेशा सिंगुलर यूज़ होता है, तो मच अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होता है, ये नहीं होगा। यहाँ पे आर आ रहा है प्लूरल, कुछ ना कुछ ज़्यादा। एप्पल्स क्या है, एप्पल्स आर रोटन इन द बास्केट, जो कुछ एप्पल्स तो है वो सड़े हुए हैं। रोटन मतलब होता है सड़ा हुआ, बास्केट में सड़े हुए हैं। और मोस्ट ऑफ या जो भी आगे देखते हैं, कुछ क्या है और अधिकतर क्या है, अच्छे रिप एंड डिलीशियस, उस बहुत अच्छे पके हुए और स्वादिष्ट हैं। तो यहाँ पे फ्यू भी नहीं आएगा न के बराबर। फ्यू मतलब होता है नो, नो मतलब कुछ नहीं, तो सिंगुलर आना चाहिए। ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। मच भी अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होता है। बिल्कुल ईजिली आपने आंसर सही लगा दिया, अ फ्यू एंड मोस्ट, अ फ्यू एप्पल्स एंड मोस्ट ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है चूज द करेक्ट वर्ड। ठीक है, क्या दिया है, एक्सरसाइज कैन बी अ वेरी डैश एक्टिविटी एज लॉन्ग एज यू डू नॉट ओवरडू इट। फर्स्ट ऑप्शन दिया है बेनिफिशियल, सेकंड बेनिफिशियल, अच्छा स्पेलिंग डिफरेंट, बेनिफिट और बेनिफिटेड। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो वही करना है जो कल एक इसी टाइप का कल के वाले पेपर में भी आया था एक क्वेश्चन, तो उसमें भी कुछ एडजेक्टिव एडवर्ब ये इस टाइप से पूछा था, तो यहाँ पे भी वही पूछा है। तो आपको पता है वेरी एक एडवर्ब है, वेरी एडवर्ब है, और एडवर्ब के आप बाद आपको एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब के बाद में आपको एडजेक्टिव चाहिए, जो कि क्या होगा इसमें से, बेनिफिट और बेनिफिटेड आपकी वर्ब हो गई, ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन, तो आपका आंसर हो जाएगा बेनिफिशियल, वेरी बेनिफिशियल। जैसे मैं लिख दूँ, ही इज़ वेरी गुड गर्ल, ही इज़ अ वेरी सॉरी शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, तो शी इज़ वेरी गुड, वेरी के बाद आपने लगाया गुड, मतलब ये हो गया एडवर्ब और ये हो गया आपका एडजेक्टिव। तो एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है, एडजेक्टिव के बाद नाउन यूज़ किया जाता है, या कभी भी नाउन से पहले पूछे तो भी आपका एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेनिफिशियल इसका आंसर सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट फॉर्म मॉडल। मॉडल का क्वेश्चन है आपके पास, तो मॉडल में क्या दिया है, शी डैश फॉर द मूवी इफ़ शी कम्प्लीट्स हर होमवर्क क्विकली। ऑप्शन देखते हैं, कुड गोस कभी नहीं होता है, ऑप्शन ही गलत है। मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, हमेशा मॉडल वर्ब वर्ब की बेस फॉर्म जिसको बोला जाता है, या आप बोल सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद दिया है आपको कैन गो आ सकता है, कैन गोज नहीं होगा। अभी बताया मैंने आपको मॉडल वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ई एस ई एस सिंगुलर फॉर्म नहीं आता है। मॉडल वर्ब के बाद कैन कुड मे माइट शुड इन सब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब बेस्ट फॉर्म।
नेक्स्ट दिया है कैन हैव, तो ऑप्शन ही गलत है आपका। कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता है, कैन हैव प्लस थर्ड फॉर्म नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, कैन गो आएगा। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि तीनों ऑप्शन इसमें गलत दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक, शी कैन गो। कैन का यूज़ किया जाता है परमिशन देने के लिए, शी कैन गो फॉर द मूवी, तुम मूवी जा सकते हो इफ़ शी कम्प्लीट्स हर होमवर्क वीकली, अपना होमवर्क कम्प्लीट करके तुम मूवी जा सकते हो। एक और बात याद रखना, यहाँ पे कंडीशन दी है इफ़ के बाद में, इफ़ के बाद में प्रेजेंट सिंपल दिया है, इफ़ के बाद में प्रेजेंट सिंपल दिया है वर्ब में एस सी आई एस, और दूसरा सेंटेंस आपको दिया है कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, या फ्यूचर आपका विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, या शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, या मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। ये एक कंडीशन बनती है, जो आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे इफ़ के बाद में कम्प्लीट्स प्रेजेंट सिंपल, तो दूसरी साइड आपका या तो कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म, या मे प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन गो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के कुछ तो डर गए होंगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कल भी ऐसा आपका क्वेश्चन आया था तो उसमें भी चार पांच ब्लैंक दिए थे। फर्स्ट यहाँ पे आर्टिकल का है, ठीक है, ब्लैंक दिया है नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ डैश क्रिकेट प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन द सॉरी इन हाँ द वर्ल्ड, द वर्ल्ड ही मुँह से निकलता है, मतलब आप ऑप्शन में देखोगे तो या आपको देख के समझ में आ गया हो कि यहाँ तो द आएगा, तो वर्ल्ड कप कैन ओनली डैमेज डैश रेपुटेशन ऑफ डैश कंट्री। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे आपका आएगा, आपको जहाँ पता चल रहा है वहाँ तो आप लगा ही लो कि क्या ऑप्शन में आएगा, ऑफ द क्रिकेट या ऑफ द के बाद द आता है, तो एक और बात ध्यान रखना ऑफ द क्रिकेट प्लेयर्स इसके बाद नाउन प्लूरल है, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड भी आप लगाते हो, ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। अब फिक्स बात करी गई है यहाँ पे कि जो नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड मतलब असहयोगी रवैया है, ठीक है, रहेगा या ऐसा, तो यहाँ पे भी द आएगा आपका, द नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड कि जो असहयोगी रवैया रहेगा क्रिकेट प्लेयर्स जो पार्टिसिपेट करने वाले इन द वर्ल्ड कप, तो उनकी क्या होगी, ओनली डैमेज होगी द रेपुटेशन ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री की, किसी भी कंट्री बताया है, फिक्स नहीं करा गया है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में आप देखते हो तो ये वाला नहीं आएगा, सॉरी आपका सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा क्योंकि आपको यहाँ पे भी द चाहिए, तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन काटते जाओ आपका आंसर मिल जाएगा, बस बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस, नेदर ऑफ डैश कैंडिडेट्स वर क्लोथ्स विच वॉज सूटेबल फॉर डैश इंटरव्यू। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो ऑप्शन अगर आप काटोगे तो यहाँ पे कैंडिडेट, कल बताया था मैंने आपको कि क से ज्ञ तक प्रोनाउंसिएशन जब निकलता है हिंदी में उच्चारण, मतलब उसके साथ आपका ए यूज़ किया जाता है, यहाँ पे के आ रहा है क, मतलब एन का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ए, तो नाइदर ऑफ द, आइदर ऑफ द, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था नाइदर ऑफ द, इच ऑफ द, नन ऑफ द, एवरीवन ऑफ द के बाद में नाउन प्लूरल आता है, यहाँ पे आ रहा है ये कैंडिडेट्स, ठीक है, कैंडिडेट्स नाउन प्लूरल है तो ये आ रहा है, मतलब यहाँ पे द आएगा आपका, ठीक है, द आएगा तो नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है, इंटरव्यू, तो इंटरव्यू तक तो आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन में आपके पास द दिया है, बाकी तो आपके वैसे ही गलत हो रहे हैं, तो यहीं पे सिर्फ और सिर्फ द है, तो फॉर द इंटरव्यू। वैसे भी ध्यान रखना कभी भी प्रीपोजिशन आए उसके बाद नाउन तो द ही यूज़ होता है, मोस्ट ऑफ, हमेशा नहीं पर अधिकतर द यूज़ होता है, इन द क्लास, इन द रूम, इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, After dash then 3 years dash company has decided to raise dash salary of dash employee this year। तो यहाँ पे after then 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 मतलब comparative degree, कल बताया था मैंने, नहीं देखा हो तो आप
पिछला वीडियो देख लो, उसमें बताया था कंपेरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री का जब क्वेश्चन आया था, कंपेरेटिव डिग्री प्लस देन लगाया जाता है। तो इसमें से कंपेरेटिव डिग्री आपकी मोर है, मच वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, मच नहीं आएगा, मोर मोर मोर, ठीक है, मोर देन थ्री ईयर्स। ओके, आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, कंपनी हैज़ डिसाइडेड, तो यहाँ आ जाएगा अ कंपनी लगाओगे तो ए नहीं, जो कंपनी है ना उसी ने डिसाइड करा है कि जो है उसके सैलरी है उसको बढ़ाएंगे वो, ठीक है, रेस यहाँ पे लिखा है, रेस मतलब बढ़ाना, तो द ही आना चाहिए, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो अगर आप यहाँ पे मान लो, ठीक है, आपने ए भी लगाया तो दोनों ऑप्शन में ए। आगे देखते हैं, सैलरी ऑफ एनी एम्प्लॉय या मेनी एम्प्लॉय नहीं है, एवरी एम्प्लॉय, सभी एम्प्लॉयज़ की, तो आपका हो जाएगा मोर द द एवरी, यहाँ पे कोई एनी भी नहीं आएगा और यहाँ पे भी द ही यूज़ होगा, आपका फिक्स बताया कि इस कंपनी ने, इसलिए द आएगा, मोर द द एवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोर द द एवरी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द ऑप्शन कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कल वाला पेपर एक सोल्व कराया था मैंने, उसमें आया था सिंपल सेंटेंस, कल एक क्वेश्चन पेपर में सिंपल सेंटेंस। तो आपने देखा होगा जब आप दो शिफ्ट हो चाहे चार शिफ्ट में पेपर है, मतलब फर्स्ट डे दो एंड सेकेंड डे भी दो शिफ्ट, तो सेम पैटर्न रहता है, वैसा का वैसा दो एडजेक्टिव दो के आर्टिकल के क्वेश्चन, डिटरमाइनर के एक सिंगल कंपाउंड या सिंपल का क्वेश्चन या मॉडल का, तो जो फर्स्ट शिफ्ट में जैसा रहेगा ना वैसा दूसरी शिफ्ट में भी ऐसा ही पेपर है इनके भी। तो देखते हैं इनमें कंपाउंड सेंटेंस किसको बोला जाता है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है इन स्पाइट ऑफ द रेन वी प्लेड द मैच, सेकेंड वन मस्ट लव वंस कंट्री, यू हैव टू वर्क हार्ड टू विन द मैच, ओके माई फ्रेंड हैज़ लेफ्ट द कंट्री एंड आई एम श्योर अबाउट इट। देखो कंपाउंड और सिंपल, सिंपल सेंटेंस वाला क्वेश्चन कल आया था, सिंपल मतलब सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होता है, मतलब ये उसमें ना ही कोई कंजक्शन या कोई यूज़ नहीं होता है। कंपाउंड मतलब आपका होता है संयुक्त वाक्य, ठीक है, सरल संयुक्त और मिश्रित जो होता है ना हिंदी में, वही कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट जो कंजक्शन रहते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से होते हैं, एंड एक मिनट सॉरी एंड बट सो और, ये होते हैं आपके कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो ये जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होते हैं, और जो जुड़े होते हैं मीन्स दो सेंटेंस होते हैं तो दोनों सेंटेंस क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं दोनों, ठीक है, एक दूसरे पे निर्भर नहीं होते हैं। तो यहाँ आप तो सिंपल्स निर्भर विर्भर कुछ समझ नहीं आया, तो सिंपल ध्यान रखना है, जहाँ पे भी एंड बट सो और से दो सेंटेंस कनेक्ट हो मतलब वो आपका कंपाउंड सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे भी फर्स्ट ऑप्शन में कोई कंजक्शन नहीं है, कोमा दिया है, नेक्स्ट में भी एंड बट कुछ नहीं दिख रहा आपको, यहाँ भी नहीं दिख रहा, यहाँ है एंड से दो सेंटेंस, माई फ्रेंड हैज़ लेफ्ट द कंट्री, आई एम श्योर अबाउट इट, दोनों सेंटेंस अलग अलग है, दोनों डिफरेंस है, इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे आ रहा है एंड से कनेक्ट, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल ध्यान रखना है, कंपाउंड में कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हो मतलब वो आपका कंपाउंड सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस मतलब सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब दिया हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रॉस यूज क्या दिया है, बेंच ट्रांजिशन पैसिव फॉर्म करना है आपको, पैसिव फॉर्म बताना है, तो यहाँ पे कल बताया था मैंने पैसिव एक्टिव पैसिव कैसे सोल्व करते हैं, वर्ब को देखो सिर्फ और सिर्फ वर्ब, वर्ब कौन सी दी है, क्रोज यूज़, यूज़ आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल ही है, ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, कंटिन्यूअस मतलब पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आगे देखते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होगा आपको पता है, तो यहाँ पे स्टिक्स स्टिक्स हैव नहीं आएगा सबसे पहले, तो आर आ सकता है, आगे देखते हैं, टू प्रे नहीं आएगा, एक और बात आर यहाँ पे भी है लेकिन बींग दिया है, बींग जब होता है जब प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्टिव हो मतलब टेंस की फॉर्म हो, इज एम आर प्लस आई एन जी हो, क्वेश्चन में कोई आई एन जी नहीं है, प्रेजेंट सिंपल है, मतलब आपका आंसर हो जाएगा, ये पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल सही आंसर ये देख सकते हैं अपन, यूज्ड बाय क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
चूज द ऑप्शन पैसिव फॉर्म, इसमें भी आपको पैसिव फॉर्म बताना है, यहाँ पे भी वही ट्रिक लगाओ कि कौन से टेंस का है। तो मेनी रिलीजियस ओपोनेंट्स कॉन्डेमेंट, मतलब ये आपकी क्या है, सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म ही मतलब वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में चेंजर, प्रेजेंट सिंपल उसके आगे वाले कंटिन्यूस में, पास्ट सिंपल उसके आगे वाले कंटिन्यूस में, वॉज वर ढूंढना है आपको। यहाँ पे बीइंग दिया है, वही बात हो गई, वहाँ आईएनजी दिया होगा तभी आपका बीइंग लगेगा, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, हैज़ बीन भी नहीं आएगा, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी नहीं होगा, हेड दिया है, आपका आंसर हो जाएगा वॉज प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, देखते हैं यही है क्या, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपको। इसमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है आपको, कल भी आया था ऐसा क्वेश्चन, मतलब इसी सन के पेपर में एज इट इज़ क्वेश्चन, दोनों पैटर्न। ठीक है, यहाँ दिया है न्यू गर्ल इज़ मोर इंटेलिजेंट, मतलब ये आपका कंपेरेटिव का है, कंपेरेटिव डिग्री है, इसको आपको पॉजिटिव में चेंज करना है। तो कंपेरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपने को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी चेंज करने पड़ते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, द न्यू तो वही दिया है आपको। ठीक है, पढ़ते हैं आगे क्या लिखा, द न्यू गर्ल इज़ नॉट एजेस दे दिया, पॉजिटिव डिग्री तो है लेकिन नॉट भी लगा दिया, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से चेंज नहीं कराया, और अदर लिख दिया, अदर आपका अदर से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कंपेरेटिव डिग्री नहीं होगी। द न्यू गर्ल इज़ एज इंटेलिजेंट एज सम अदर, फिर यहाँ पे भी अदर से, अदर स्टूडेंट से कंपेयर, और वैसे भी यहाँ पे द न्यू का द न्यू ही रखा है जो कि चेंज होता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया है, सम स्टूडेंट्स इन द क्लास आर एट लिस्ट एज इंटेलिजेंट एज द न्यू गर्ल, ये हो सकता है। आगे देखते हैं, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर लेस, और पॉजिटिव डिग्री आपके कंपेयर को शो करता है, लेस कंपेरेटिव डिग्री में यूज आता है, तो ये भी नहीं होगा, आपका सम स्टूडेंट्स वाला आंसर होगा ये। ठीक है, अगला देखते हैं, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन द गिवन सेंटेंस इनटू इट्स सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे हैवियर दिया है, लेड इज़ हैवियर देन एनी अदर मेटल, तो कंपेरेटिव डिग्री है, हेवियर देन एनी अदर कंपेरेटिव डिग्री है, आपको सुपरलेटिव में चेंज करना है, द प्लस जो पॉजिटिव डिग्री है उसमें ईएसटी लगाना है। तो यहाँ पे नो अदर एजेस दिया है, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री हो गई, पॉजिटिव डिग्री के दोनों तरफ एजेस का यूज़ किया जाता है, आगे नो अदर का, इस टाइप का क्वेश्चन भी पहले वाले वीडियो के में आया था एक उस पेपर में। यहाँ पे इज़ द ईएसटी ऑल मेटल्स की कोई बात नहीं करी गई, ये दोनों गलत हो जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा लेड इज़ द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। ओके ओके, आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।